सिर ना सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सा मात पिता की वंदना करते जन राजा प्रजा जन नमन करो स्वीकार। श्री गुरुदेव सलाह शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, मां राधा रानी की जय, जय गुरुदेव जय प्रभु जी राधे राधे जय श्री कृष्ण। श्री गुरुदेव आर्तनाद बेजोश होता आदरणीय भाई श्री सोमदत्त शर्मा जी से संभवतः हमारे सभी गुरु भाई बहन परिचित होंगे। आराध्य देव योगराज एवं हमारे आपके सद्गुरुदेव जी महाराज की छोटी बहन आदरणीय श्रीमती कौशल्या देवी जी के सपुत्र हैं एवं ग्राम सालवन के मूल निवासी हैं। श्री गुरुदेव भगवान के अवतार स्थली श्री अलूपुर धाम से यह स्थान करीब 15-16 मीटर की दूरी पर स्थित है। श्री गुरुदेव भगवान को सालवन गांव से बहुत लगाव था। वे करुणा निधान अपनी प्रिय छोटी बहन के यहाँ प्राय आया जाया करते थे। सालवन गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी से एक नदी बहती है। नदी के दोनों तरफ घनघोर जंगल था एवं उसमें शेर चीता तथा अन्य जंगली जानवर निवास किया करते थे। समय के अंतराल के साथ अब ये सब जंगल उतना घना नहीं है और अब उसमें जंगली जानवर भी शायद नहीं के बराबर हैं। सालवन गांव से इस जंगल में प्रवेश करने से ठीक पहले एक बड़ा तालाब है। तालाब के किनारे एक विशाल भगवान शंकर का मंदिर है, उसमें भगवान शिव की मूर्ति है। मंदिर में और कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी यथास्थान प्रतिष्ठित की गई हैं। उसके पास ही एक गुफा है जिसमें एक समय ताला लटका हुआ है ऐसा प्रतीत होता है कि इस गुफा में बहुत पूर्व कोई सिद्ध महात्मा साधना किए हैं। इस स्थान पर पहुँचने पर प्राणी का मन स्वतः ही एकाग्र होता प्रतीत होता है। इस स्थान से आगे जंगल में आराध्य देव जी ने एक सिद्ध योग आश्रम की स्थापना की है जो सालवन आश्रम के नाम से विख्यात है। इस समय इस आश्रम का पूरा उत्तरदायित्व हमारे परमादरणीय ब्रह्मचारी गुरु भाई श्री ज्ञानी बाबा जी पर है। श्री ज्ञानी बाबा जी का शरीर भी अब करीब 90 साल का हो रहा है, ये काफ़ी वयोवृद्ध हो चले हैं। परमादरणीय ज्ञानी बाबा जी सालवन आश्रम पर आरती पूजा ध्यान एवं योगाभ्यास करीब 50 वर्षों से नियमित करते आ रहे हैं। इस सालवन जंगल में 4-5 और छोटे छोटे मंदिर थोड़ी दूर पर बने हुए हैं। इस जंगल से होकर एक रास्ता भी निकलता है। इस जंगल की ऐसी मान्यता रही है कि इस जंगल के क्षेत्र में कोई प्राणी रात्रि निवास करता है तो उसे रात भर जाग कर जब ध्यान करना ही पड़ेगा। यदि वह इस जंगल के क्षेत्र में निवास करेगा एवं सो जाएगा तो उसे सिद्ध लोग उठाकर नदी में या जंगल के क्षेत्र के बाहर फेंक देते हैं। इस जंगल में कई सिद्ध महात्मा स्थूल रूप से असुर शरीर रूप से निवास करते हैं। जंगल में साधना करने वाले साधक अपने कमंडल या पाठ जंगल से गुजरने वाले रास्ते पर रख देते हैं। उस रास्ते से गुजरने वाले गौरस दुग्ध विक्रेता उसमें अपना दूध डालकर उसे पूरा भर दिया करते हैं। रास्ते में रखा हुआ कोई भी खाली पात दुग्ध से पूरा भरे बिना नहीं रहता। परमादरणीय ज्ञानी बाबा के पूर्व अपने सालवन आश्रम पर योगी साधक श्री कृष्णानंद जी निवास किया करते थे एवं आश्रम का पूरा उत्तरदायित्व श्री गुरुदेव भगवान ने उन्हीं को सौंपा था। वे हम लोगों के वरिष्ठ गुरु भाई थे एवं सिद्ध महात्मा थे। आराध्य देव श्री प्रभु जी ने अपने शिष्यों को जो बार बार समझाने पर भी शरारतपूर्ण आत्मा को नहीं छोड़ते थे एवं उनकी आज्ञाओं में नहीं रहना चाहते थे उन्हें सालवन आश्रम पर भेज दिया करते थे। सालवन आश्रम पर पहुंचने पर शिष्यों को वहां का माहौल समझकर बड़ा ही विस्मय आध्यात्म युक्त आश्चर्य होता था। वह दिन में भले ही पूरा सोते रहें और आलस कहें परंतु रात भर तो उन्हें जाकर साधना करनी ही पड़ती थी क्योंकि जहां नींद आई तो सिद्ध लोग उठाकर नदी में या जंगल क्षेत्र के बाहर फेंक देंगे। इस डर के कारण वो स्वाध्यायशील बना रहता था। इस प्रकार उसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती थी एवं वह एक योगी साधक बन जाता था सालवन आश्रम का वातावरण आज भी योगी साधकों के लिए परम उपयुक्त स्थान है।
90 के दशक में आदरणीय भाई श्री सोमदत्त जी ने एक शादी की तिथि मई माह के अंतिम सप्ताह में तय कर दी। योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी के अवतार दिवस चैत नवमी को जन्मोत्सव में भाग लेने आप श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम आए थे। आपने खूब उल्लास उत्साह एवं श्रद्धा के साथ अवतार का उत्सव मनाया। जाते समय श्री गुरुदेव भगवान से हाथ जोड़कर आपने प्रार्थना किया, देखो जी हमने तो गर्मी के दिन में शादी तय कर दी है क्योंकि जाड़े के मौसम में उचित लगन नहीं मिल रही थी, अतः इतनी कृपा करना कि मौसम ज़्यादा गर्म एवं कष्टदायक न हो, मौसम यदि गुलाबी जाड़े जैसा हो तो ज़्यादा आराम रहेगा, अब हमें आज्ञा एवं प्रसाद देने की कृपा की जाए। आराध देव जी सदगुरुदेव जी महाराज ने कहा कि लल्ला दो दिन और रुक जाओ फिर चले जाना। तीसरे दिन आपने आज्ञा एवं प्रसाद लेकर घर की यात्रा आरंभ की एवं घर पहुंच गए। जिस दिन बीतते देर नहीं लगी एवं धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन शादी होनी थी। बाराती एवं सब मेहमान तथा रिश्तेदार आ गए। प्रातःकाल मौसम में गर्मी ज़्यादा थी, परंतु अपरांत 1 बजे के बाद हवा में कुछ गर्मी कम लगने लगी। अनुमानतः ऐसा लग रहा था जिधर से हवा आ रही है उस दिशा में आगे कहीं पानी पड़ रहा है या पड़ा है। अपरांत 3 बजे मौसम बड़ा ही सुहावना हो गया। करीब 3:30 बजे दिन में बड़ी तेज धूल भरी आंधी आई और उसकी रफ्तार इतनी थी कि कपड़े हल्के बर्तन और सामान तुरंत पटाखाएं हवा में उड़ने लगे। काफ़ी संख्या में पेड़ धराशायी हो गए और उसके करीब आधा घंटे बाद बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। ओलों की मार से शामियाना टेंट कई जगह फट गया। मेहमानों और रिश्तेदारों में भगदड़ सी मच गई। सभी लोग सुरक्षित स्थान की खोज में थे, परंतु ओला पड़ने के कारण कहीं जाने में असमर्थ थे। आदरणीय भाई श्री सोमदत्त जी का मन घबरा गया एवं बेचैन छा गई। इन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अंत में क्रोधावेश में वे श्री सदगुरुदेव जी महाराज एवं दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के स्वरूपों के सामने जाकर खड़े हो गए। हाथ जोड़कर बोले कि मैंने तो आपसे मौसम ठंडा रखने की प्रार्थना की थी, न कि तूफान चलाने और ओला बरसाने की प्रार्थना की थी। मैं तो आपके आशीर्वाद से निश्चिंत बैठा रहा, आप हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पुरुषों और योगियों के बच्चे इसी प्रकार प्रकृति के उपद्रवों को परेशान किए जाते रहे तो जीते जी उनकी मृत्यु हो जाएगी। अभी समय है, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। इनका इतना कहना था कि तूफानी हवा तत्काल बंद हो गई, क्षण मात्र में ओले पड़ना बंद हो गया। उसके कुछ समय उपरांत गुलाबी जाड़े जैसी हवा चलनी आरंभ हो गई। ओले पड़ने की आवाज़ बंद होते ही जब ये पूजा गृह से बाहर हुए तो बाहर का मौसम देखकर आपकी आंखें प्रभु प्रेम के कारण छलछला गईं, इनका कंठ अवरुद्ध हो गया, ये अपनी सुरबुद खो बैठे। शादी के माहौल में भी घंटों आराध देव जी की कृपाओं से ओतप्रोत रहे, अनमनस्क भाव से शादी की रस्म पूरा किए। धन्य ऐसे श्री प्रभु जी के बच्चों की टेक रखने वाले एवं उन पर अहद की कृपा करने वाले। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान।